हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के गृह विज्ञान का पार्ट 3, जिसका शीर्षक है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चूंकि हम गृह विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम गृह विज्ञान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। गृह विज्ञान, इसे हम घर का विज्ञान भी कह सकते हैं। इसका संबंध हमसे, आपसे, आपके परिवार से, आपके परिवार के सदस्यों से तथा आपके संसाधनों से जुड़ी हर एक चीजों से है। इसका उद्देश्य है आपके संसाधनों के प्रभावशाली और वैज्ञानिक उपयोग द्वारा आपको तथा आपके पूरे परिवार को संतुष्टि प्रदान करना। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ है आपके संसाधनों के प्रभावशाली प्रबंधन की कला तथा एक ऐसा विज्ञान जो एक घर को स्वस्थ तथा सानंद बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर एक सफल पेशे के चुनाव में आपकी मदद करे। विज्ञान और कला का यह समन्वय आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। जैसे जैसे घर जिसमें आप रहते हैं, भोजन जो आप खाते हैं, वस्त्र जो आप पहनते हैं, परिवार जिसकी आप देखभाल करते हैं, संसाधन जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, वातावरण जो आपके आसपास है, दक्षता जो एक सफल करियर के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान के विविध क्षेत्रों की पढ़ाई करने के बाद आप अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हुए आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, तो गृह विज्ञान उसे हल करने में आपकी मदद करता है। ऐसा करके आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। इस ज्ञान का उपयोग आप अपने घर और अपने जीवन के विकास में कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं, जो या तो काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं या फिर घर में रहकर ही अपना खुद का कोई रोजगार करती हैं। इसके फलस्वरूप घर के जिम्मेदारियों में पुरुषों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे समाज में परंपरागत रूप से पुरुष घर के कार्यों में बहुत क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें इस व्यवस्था में ढलने में काफी परेशानी आती है। ऐसे में उन्हें घर के विभिन्न पक्षों के बारे में जानने तथा घर को सुंदर बनाने तथा सही तरीके से चलाने का हुनर सीखने की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान ही एक ऐसा मात्र विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनने, एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे माता पिता बनने में सहायक पूर्वाभ्यास और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। तो यह थी गृह विज्ञान के बारे में कुछ बातें। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकता है। आइए सबसे पहले असमर्थ तथा अयोग्य बालकों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसे हम विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी कह सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी का सामान्य तात्पर्य उन विद्यार्थियों से है जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य या औसत विद्यार्थियों से भिन्न होती है। यहाँ पर शैक्षिक आवश्यकताओं का तात्पर्य सिर्फ पाठ्य पुस्तक की शिक्षा से नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों को चलने फिरने, खाने पीने, रहने, हर बातों के लिए एक अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आइए अब देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के शिक्षा में क्या क्या बाधाएं आती हैं या क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। इन बाधाओं में सबसे पहली बाधा है नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति।
आज भी हमारे देश में उतनी उन्नति नहीं आ सकी है या उतनी जागरूकता नहीं आ पाई है जितनी आनी चाहिए। खास करके गांव में जो असमर्थ और अयोग्य बालक होते हैं, उनके लिए सभी यह कहते हैं और यह सोच है उनकी कि उनको पढ़ाने से क्या होगा। उनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति गांव में, समाज में, परिवार में और लोगों में अभी भी मौजूद है। जब तक यह नकारात्मक अभिवृत्ति दूर नहीं होगी, तब तक असमर्थ तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की शिक्षा में उन्नति नहीं आ सकती है। दूसरी बाधा है सुगम्य भवनों एवं वातावरण की उपलब्धता में कमी। जितने भी भवन हैं हमारे पास, वो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सुगम्य नहीं होते हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है, परंतु यह अभी तक पूर्णतः संभव नहीं हो सका है। अगली जो बाधा है वह है विद्यालय में विशेष शिक्षकों का अभाव। असमर्थ तथा अयोग्य बालकों के शिक्षा में आने वाली बाधाओं में यह एक महत्वपूर्ण बाधा है, अहम बाधा है। विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की बहुत कमी है। हालांकि अभी हाल में CBSE ने यह नियम बनाया है कि हर विद्यालय में कम से कम एक विशेष शिक्षक आवश्यक है, लेकिन फिर भी अभी भी सभी विद्यालयों में यह संभव नहीं हो सका है। अगली जो बाधा है वह है माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्तियां। माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति भी असमर्थ बालकों की शिक्षा में विशेष बाधा होती है। कई बार माता पिता भी यह सोचने लगते हैं कि अब यह बच्चा क्या करेगा, अब यह समाज का हिस्सा भी नहीं बन सकता है, तो वे उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और यदि माता पिता ही ध्यान नहीं देंगे तो भला वे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। माता पिता के सहयोग के बिना उनकी शिक्षा संभव नहीं होती है। अगली जो बाधा है वह है विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव। जब तक विद्यालयों में असमर्थ तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त संसाधनों की कमी रहेगी, तब तक उन बच्चों की शैक्षिक उन्नति संभव नहीं है। हमने अभी देखा कि असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की शिक्षा में क्या-क्या बाधाएं आती हैं, जिनमें पहली बाधा थी नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति, दूसरी बाधा थी सुगम्य भवनों एवं वातावरण की उपलब्धता में कमी, तीसरी बाधा विद्यालयों में विशेष शिक्षकों का अभाव, चौथी बाधा थी माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्तियां, और पांचवी बाधा है विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव। अब बात करते हैं असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता को अपनी नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलना होगा। उन्हें इस प्रकार के बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा विद्यालयों के भवनों को उन बच्चों के लिए सुगम्य बनाना होगा। सभी विद्यालयों में कम से कम एक विशेष शिक्षक जरूर हो, ताकि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। आइए अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। बुक में सबसे पहले इस पाठ का परिचय दिया गया है, इसके बाद विशिष्टताओं के प्रकार के विषय में दिया गया है, जिसमें पहला शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, दूसरा है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, तीसरा है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक, इसके बाद अभ्यास कार्य दिया गया है। इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। तो
यह है हमारा पाठ 3, असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं, जिसमें अधिगम उद्देश्य क्या क्या दिया गया है, परिचय, उसके बाद दिया गया है विशेषताओं के प्रकार, जिसमें पहला है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, दूसरा है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, और तीसरा है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। इसके बाद अभ्यास कार्य दिया गया है। बुक में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी के पास अगर किसी कारण से बुक नहीं है तो वो इसे अच्छी तरह से समझ सके। बुक में पहला पैराग्राफ दिया गया है वह है परिचय। उसमें दिया गया है लगभग प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकलांगता पाई ही जाती है, जो कि उस व्यक्ति को किसी समूह का हिस्सा बनने से रोकती है। इनमें से अधिकांश विकलांगता आंशिक होती है। हम में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं, वे भी विकलांगता से ग्रसित हैं, लेकिन भाग्यवश उनकी विकलांगता को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अधिक गंभीर असमर्थताओं से ग्रसित होते हैं। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति व्हीलचेयर का उपयोग करते हों या कान में सुनने वाली मशीन पहनते हों, अथवा किसी मनोचिकित्सक के पास दीर्घकाल से अपनी मानसिक विकलांगता का इलाज करा रहे हों। यह भी हो सकता है कि उनका कोई भाई हो जो मानसिक पिछड़ेपन का शिकार हो, अथवा कोई ऐसी बहन हो जिसमें सीखने की क्षमता कम हो, अथवा कोई ऐसा बालक आप जानते हो जो दूसरे को गंदी गालियां बकता हो और वयस्कों द्वारा अपमानित होता हो। यह सभी स्थितियां किसी व्यक्ति की असमर्थता या अयोग्यता का प्रतीक मानी जाती है, जो विकलांगता की श्रेणी में ही परिभाषित की जाती है। लगभग 15% स्कूली बच्चे ऐसे गंभीर अयोग्यताओं से पीड़ित हैं और जिन्हें विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को एक निश्चित समय अवधि में ही सहायता की आवश्यकता पड़ती है, संपूर्ण बाल्यावस्था में सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें से अधिकांश बच्चे अपनी युवावस्था में अपनी विकलांगता से मुक्त होकर प्रसन्नतापूर्वक समाज के विकास में महत्वपूर्ण ढंग से अपना योगदान देते हैं। बुक के दूसरे पेज में एक तालिका दी गई है। उसमें यह दिया गया है कि एशियाई प्रदेश की जनसंख्या में असमर्थों की संख्या तथा प्रतिशत क्या रही थी। आप इसे एक बार ध्यान से देखें। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। इसके अनुसार यह बताया गया है कि हम सब में कुछ न कुछ शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकलांगता पाई ही जाती है। कुछ में ये विकलांगता आंशिक होती है तो कुछ में गंभीर होती है। कुछ लोग चश्मा पहनते हैं तो कुछ व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। कुछ कान में सुनने वाली मशीन पहनते हैं तो कुछ अपनी मानसिक विकलांगता का इलाज करा रहे होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता कम होती है तो कुछ दूसरे को गंदी गालियां देते हैं। ये सब जो है वो विकलांगता की श्रेणी में ही आते हैं, परंतु इनमें से कुछ जो है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपनी विकलांगता से मुक्त होते जाते हैं। लेकिन जो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं उनके लिए हमें
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारा जो समाज है वो ऐसे बालकों को हमेशा अलग नजरिए से देखता है। ऐसे बालकों के लिए समाज में नकारात्मक सोच बहुत ही ज्यादा है। हम सबको मिलकर समाज की यह सोच को बदलना होगा ताकि ऐसे बालक में आत्मविश्वास की कमी ना हो और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब आते हैं बुक की तरफ। बुक में दिया गया है विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं तथा उनकी उत्पत्ति स्रोत के मध्य भिन्नता करना महत्वपूर्ण होता है। असमर्थता चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, जन्मजात हो या उपार्जित, रोकथाम करने योग्य हो अथवा ना हो, उपचार करने योग्य हो या ना हो, उसकी कुछ श्रेणियां हैं। यह असमर्थ व्यक्ति उपचार के पश्चात समाज के प्रभावी सदस्य हो सकते हैं। असमर्थता को समझने से पूर्व इसकी स्थितियों को समझना आवश्यक है, जिसमें पहली जो स्थिति है उसे हम क्षति कहते हैं, दूसरी स्थिति को हम अक्षमता कहते हैं और तीसरी जो स्थिति है उसे हम विकलांगता कहते हैं। आइए देखते हैं पहली स्थिति को, जिसे हम क्षति कहते हैं। क्षति यानी हानि। मानसिक रूप से आंशिक हानि या असामान्यता तथा शारीरिक संरचना या कार्यों में कमी या असामान्यता को क्षति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक 12 वर्ष का है, वो एकदम स्वस्थ है, फिर अचानक उसे पोलियो हो गया है। अब जब वो उसे पोलियो हो गया तो उसके दोनों पैर अब खराब हो चुके हैं, वो अब चल फिर नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि उसे क्षति हुई है, उसे हानि पहुंचा है। आइए दूसरी स्थिति की ओर चलते हैं। दूसरी स्थिति को हम अक्षमता कहते हैं। व्यवहार या क्रियाशीलता के प्रदर्शन की योग्यता में कमी आना, जिससे उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य के व्यवहार की परिधि में ना आता हो। जैसे अभी हमने बात किया था 12 वर्ष के बालक की, जिसे अचानक पोलियो हो जाता है और वह चलने में असमर्थ हो जाता है। अब वह चलने में असमर्थ हो गया है, इसका मतलब है कि वह अक्षमता की श्रेणी में आ चुका है। इसकी तीसरी स्थिति, जिसे हम विकलांगता कहते हैं। किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति को होने वाला वह नुकसान जो उसे उसकी आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से संदर्भित सामान्य भूमिका को निभाने से रोकता है। जैसे वह बालक जिसे पोलियो हो गया है, उसे क्षति हुई, वह अब चलने फिरने में असमर्थ है, यानी वह अक्षमता के श्रेणी में आ चुका है। अब जब वो किसी बस या मेट्रो या ट्रेन में कहीं जाता है और वहां पर लिफ्ट नहीं होती है या और भी किसी तरह की परेशानी होती है उसे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब वह विकलांगता की श्रेणी में आ चुका है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले क्षति होती है, फिर अक्षमता और उसके बाद विकलांगता। कुछ और एग्जाम्पल देखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बालक है जो पहले अच्छी तरह से देख पाता है, फिर अचानक उसकी आईसाइट वीक हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि उसे क्षति हुई, उसे हानि हुआ है। अब वह पहले की तरह देख नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि वह अक्षमता की श्रेणी में आ चुका है। अब अगर कहीं पर कोई सलाह लिखी हुई है या कोई इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है और वह उसे नहीं देख सकता है, तो उसे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचा है,
इसका मतलब हुआ कि वह अब विकलांगता की श्रेणी में आ गया है। यह डिजीज भी हो सकता है या डिसऑर्डर भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले असमर्थ तथा अयोग्य बालकों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। इसके बाद हमने देखा कि ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षा में क्या क्या बाधाएं आती हैं, जिनमें पहली बाधा थी नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, दूसरी बाधा थी सुगम्य भवनों एवं वातावरण की उपलब्धता में कमी, तीसरी थी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों का अभाव, चौथी बाधा थी माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्तियां और पांचवी बाधा थी विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव। उसके बाद हमने ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में अध्ययन किया। इसके बाद हमने विकलांगता की श्रेणी के बारे में पढ़ा, जिनमें सबसे पहले पहली जो स्थिति थी वह थी क्षति, दूसरी जो थी वह थी अक्षमता और तीसरी विकलांगता। आज के वीडियो में बस इतना ही।